नमस्कार, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से। अभी तक हमने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है। एक फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स एफ डैश एक्स हो प्लस एफ एक्स हो, सो दिस ऑन इंटीग्रेशन गिव्स यू एक्स एफ एक्स। तो क्या हम इस क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम में x e पावर टेन एक्स तो है। अब यहां पे ऐसा करते हैं कि इस वन को टू को स्प्लिट कर देते हैं और इस वन को दूसरे टर्म में ले जाते हैं। और अब इस x e पावर tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहला टर्म बन जाएगा x e पावर tan x के साथ 1, और दूसरा टर्म बन जाएगा क्या x e पावर tan x के साथ 1 प्लस x secant square x। dx दो जगह नहीं आएगा, ठीक है, ये आया। अब x times f dash x, तो f dash के तरह ही दूसरा वाला दिख रहे हैं, हालांकि हमें चेक करना होगा कि अगर फंक्शन हम इसको माने x e power tan x को, तो क्या वो डेरिवेटिव आ रहा है, क्योंकि सिंपलर ये है तो यही फंक्शन होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर x e पावर tan x का डेरिवेटिव निकाले तो क्या आता है। प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, इसका क्या होगा, e पावर tan x का e पावर tan x और tan x का secant square x। इस बार e पावर tan x एज इट इज, x का 1 e power tan x, x secant square x plus 1, मतलब f dash x के साथ x आया और f x अलग है, मतलब ये f x है और f dash x के साथ x आ रहा है, तो सही है। इसका रिजल्ट के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो x times f x होना चाहिए, और एफ एक्स खुद में ही एक्स टाइम्स ई पावर टेन एक्स है प्लस सी, सो द रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर टाइम्स ई पावर टेन एक्स, ठीक है। तो सही है, एक्स स्क्वायर टाइम्स ई पावर टेन एक्स इज योर फाइनल आंसर। तो ये रिजल्ट पे भी कुछ क्वेश्चन हम करने का ट्राई करेंगे कि अभी तक हमने इसे यूज नहीं किया है, तो कहीं इस पर प्रॉब्लम आ जाए तो हमें प्रैक्टिस रहना चाहिए, इसलिए इस पर भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अदरवाइज तो आपको फॉर्मूला दिख ही गया है कि कैसे यूज होता है इस क्वेश्चन के जरिए।